अखिलेश यादव चाहते हैं कि मैं ही प्रत्याशी रहूं, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट जेट भेजा था। उसके लिए इतने इंतजाम किए। कुछ बाहरी नेता हैं जो लखनऊ से आए लोगों को ट्रैप कर रामपुर ले गए और रामपुर ले जाकर इतनी देर लगा दी कि टाइम निकल गया। अखिलेश आखिरी वक्त तक चाहते थे कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सियासी जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में खुलकर अंतर कलह की खबरें सामने आई। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद सांसद एसटी हसन के समर्थकों ने इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पत्र इंटरनेट पर वायरल हुआ और अब इस वायरल पत्र पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या सच में अखिलेश ने मुरादाबाद से एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था और इसके बाद गड़बड़ हुई? जरा इनसे ही सुनिए। देखिए, अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सपा सांसद एसटी हसन ने पत्र को लेकर कहा कि अखिलेश यादव चाहते थे कि मैं प्रत्याशी रहूं, इसीलिए प्राइवेट जेट भेजा था और इतने इंतजाम किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी नेता हैं जो लखनऊ से आए लोगों को ट्रैप कर रामपुर ले गए और रामपुर में इतना समय लगा दिया कि टाइम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक चाहते थे कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ूं। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहते कि रुचि वीरा प्रत्याशी बने। इसके लिए अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को नामांकन वाले दिन फोन करके एसटी हसन को सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन रुचि वीरा ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा, लेकिन पत्र समय से ना मिल पाने के कारण ही रुचि वीरा कैंडिडेट बन गई और वायरल पत्र अब लगातार सपा के अंतर कलह की पोल खोलता नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मामले को, कमेंट करके बताइए।